कंप्लीट 1 लीटर फिल कर लिया है। देखो यहाँ पर ऐप का लोगो भी आ गया है, इसमें भी ओवरऑल जर्नी की अपनी बता देगा ना। 100 की स्पीड पर चल रही है, 19 किलोमीटर्स कंप्लीट होने वाले हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। सो यार आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज एक तो पहले मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है, दूसरी चीज़ जो आज हमारा कंटेंट भी है, हमारे पीछे खड़ी है ऑल न्यू 2023 R15 V4 और 1 लीटर एग्जैक्ट हाई स्पीड माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। जैसा कि अभी आप क्लिप देख पा रहे होंगे, मैकेनिक के पास जाके मतलब इसकी पूरी मैं जितना फ्यूल था ना सारा निकाल लिया था, 2.5 लीटर था सारा निकाल लिया था, और ये 1 लीटर बॉटल में एग्जैक्ट मेजर करके लाया। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, ओनर से भी मिला ही देता हूँ अपने आदित्य भाई की बाइक है। सबसे पहले तो ओनर रिव्यू वाली वीडियो में आपने इसको देखा होगा, बहुत प्यारा ओनर रिव्यू शेयर करा था, वो वीडियो नहीं देखी तो जाके चेकआउट कर लेना। सो वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। R15 किसकी ड्रीम बाइक है स्पेशली ये वाले रेड कलर में, एक बार कॉमेंट में जरूर बताना। ज्यादा बातें नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो निकलते हैं। अब देखो वैसे तो टैंक पूरा खाली है, बट जितना भी है पूरी झटके लेके जहाँ बंद पड़ेगी वहाँ से रिफ्यूल करने वाले हैं, और फिर वहीं पे ही मैं आपको ट्रिप सेट कर दूंगा, उसके बाद रियल टाइम माइलेज भी शो कर दूंगा। एक तो यार इसको यू टर्न लेने में बहुत दिक्कत आती है यार, आप में से R15 ओनर्स ये कौन फेस करते हो तो यार एक बार कॉमेंट में ज़रूर शेयर करना। ऑलमोस्ट तो अभी 2-3 किलोमीटर में आया था, गाड़ी ने झटके लेना चालू कर दिया जैसा कि आप देख सकते हो, बट कंप्लीट ख़त्म करना है यार, तो ही तो 1 लीटर एग्जैक्ट होगा। जितना भी है मतलब मेरे ख्याल से भी 1-2 किलोमीटर और जाएगी, झटके तो लेने लग गई है भाई। आई गेस अब कंप्लीट पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए। सो गाइस ये देख सकते हो गाइस, कंप्लीट पेट्रोल यहाँ पर अब हमारा ख़त्म हो चुका है। दिखा देता हूँ स्टार्ट हो रही है कि नहीं, यहाँ पर देख सकते हो आप। ज़्यादा सेल्फ नहीं देंगे, पूरा टैंक भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। वैसे तो पूरा ही खाली कर लिया था, आपने स्टार्टिंग में क्लिप भी देख ली थी, और यहाँ पर बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है, तो यहाँ पर अब हो गई हमारी गाड़ी पूरी बंद। 1 लीटर एग्जैक्ट डालना है, उसके बाद सबसे पहले ट्रिप व्रिप भी सेट कर लेंगे, रियल टाइम माइलेज आपको ऐप के बारे में बताना है। वीडियो थोड़ी 9 से 10 मिनट की बन सकती है, बट यार गाइज आपके लिए सिर्फ ये वीडियो बना रहे, तो यार एंड तक देखना, आप लाइक करके जरूर जाना। तो यार मुझे ही दे दिया इसने डालने के लिए, तू डाल यार, ये अच्छी चीज़ है यार। R15 में साइड का जो कैप है ना उसके कारण मतलब साइड में भी गिरेगा तो जाएगा टैंक में ही। कंप्लीट 1 लीटर फिल कर लिया है, बॉटल रख लेना बैग में, बिकॉज माइलेज टेस्ट के लिए हमेशा 1-1 लीटर की बोतल कौन ढूंढेगा, इसलिए मैं संभाल के ही रखता हूँ। सबसे पहले तो ट्रिप सेट कर लेते हैं, टोटल ओडोमीटर पे आप देख लो कितने हैं, 1144। ट्रिप ए हमने कर लिए 0, ट्रिप भी दिखा देता हूँ, इसको भी 0 कर लेते हैं, रियल टाइम माइलेज को 0 कर लिया है। एंड यहाँ पर हम रखते हैं ट्रिप 1 पे, उसके बाद जो यामा का मोटरसाइकिल कनेक्ट ऐप है उसको जल्दी से एक्टिवेट कर लेना। कैसी कंडीशन में रखा है इसने फ़ोन, मतलब गार्ड भी नहीं बदला है, बिकॉज डायरेक्ट फ़ोन ही 15 प्रो आने वाला है इस साल भाई का। देखो यहाँ पर ऐप का लोगो भी आ गया है, इसमें भी ओवरऑल जर्नी की अपनी बता देगा ना। चलो ऑल राइट गाइस चलते हैं, हाई स्पीड माइलेज टेस्ट होने वाला है। 1 किलोमीटर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, 85 की कॉन्स्टेंट स्पीड है, मतलब 85-90 के बीच में हम रखेंगे, और थोड़े थोड़े इंटरवल्स में मैं आपको शेयर करता रहूँगा। और विंड ब्लास्ट इतना फील हो रहा है कि गाड़ी एक तरफ जा रही है। ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर कंप्लीट होने वाले हैं, 90-100 की स्पीड में चला रहा हूँ, और क्या पता यहाँ आगे क्या हो गया है, इतनी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। कहाँ आ गए यार इस साइड, यहाँ पर 10 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए, कांस्टेंट 90-100 के बीच में स्पीड चल रही है, बट यार आज इतनी हवा चल रही है ना सच में। बाइक का वेट है 142 kg, मैं विद पिलियन राइड कर रहा हूँ यहाँ पर, फिर भी गाड़ी हवा का झोंके आने के साथ लेफ्ट साइड जा रही है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था R15 से, हालांकि देखो वेट टू पावर रेशियो इस बाइक का काफ़ी अच्छा है, बट इतनी विंड भी 100-120 इस बाइक को चला रहा है, और कौन सा तेज विंड ब्लास्ट आ गया ना तो आप मतलब लेन ही बदल लोगे गाड़ी की। ऑलमोस्ट 16.5 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए, इंडियन सेगमेंट में 155 cc किंग मानी जाती है यार ये माइलेज में, बिकॉज इतना खतरनाक माइलेज देती है। बट जितने भी मैंने हाई स्पीड माइलेज टेस्ट करे ना 80-90 की स्पीड पर, बाकी बाइक्स ने मतलब अगर आप डेली कम्यूटर बाइक देखोगे ना, SP125 रेडर पल्सर 25 इन सब ने 40 के अराउंड ही दिया है। अगर R15 उतना ही दे देती है तो वही बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर अभी मैंने इमीडिएट ब्रेकिंग करी ना, तो इसके ड्यूल चैनल EBS का भी टेस्ट हो गया,
और देख सकते हो आप वीवी एक्टिवेट तो कर ही रहे हैं हम इसका। पावर फिगर्स भी बता देता हूँ जो कुछ व्यूअर्स नए आए, वैसे तो हर किसी को पता है 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, 18.4 पीएस की पावर प्रोड्यूस करता है, 14.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 100 की स्पीड पर चल रही है, 19 किलोमीटर्स कंप्लीट होने वाले हैं, 20 किलोमीटर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 21 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए, 100 की कांस्टेंट स्पीड पे मैं राइड कर रहा हूं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यार 40 तक ये माइलेज देगी, बिकॉज यार 100 की स्पीड पे आप इसे राइड कर रहे हो तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, 50 तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, बट जो भी रिजल्ट रहेगा जेन्युइन है आपके सामने ही शो कर रहा हूं, तब से चला ही रहा हूं मैं। 25 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हमने यहां पे, 30 किलोमीटर यहां पर कंप्लीट कर लिए, 100 की स्पीड पर राइड कर रहा हूं, मज़ा आ रहा है यार काफ़ी आज की वीडियो में। बिकॉज अभी आप जितने मेरे चैनल पे बाकी माइलेज टेस्ट देखोगे ना, वेदर इतने हॉट रहते थे और हम दोपहर में ही माइलेज टेस्ट करते थे, बहुत कम बार ईव में कराए, तो यार ये मौसम इतना बढ़िया है ना आज, तो यार माइलेज टेस्ट करने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। 35 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए जैसा कि आप देख सकते हो, और अगर 40 क्रॉस भी कर दिया ना तो मैं काफ़ी अच्छा माइलेज मानूंगा, बट लेट्स सी क्या रिजल्ट देते हैं। आप में से कोई R15 ओन करता हो तो आपको कितना माइलेज दे रही है, अगर आप V3 भी ओन करते हो, V4, कितनी भी पुरानी R15 ओन करते हो, एक बार आपका जेन्युइन माइलेज कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। 37 किलोमीटर्स यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, 80-90 की स्पीड, बीच में तो हमने 15-20 किलोमीटर्स 100 की स्पीड पर चलाया, फिर भी गाड़ी ने अभी बिल्कुल भी झटके नहीं लिए, गजब यार। मतलब इसलिए 155 सीसी के सेगमेंट में R15 किंग मानी जाती है और कंपनी इसलिए आपसे इतने पैसे ले रही है। अब कितना माइलेज आता है उसी के बाद में कंक्लूजन दूंगा कि यार एक्सपेक्टेड था कि नहीं इतना माइलेज। 39 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए गाइस, क्या बात है यार, 40 किलोमीटर्स R15 चल चुकी है हाइपर राइडिंग पे यार, और क्या ही चाहिए, मैं इतनी गाड़ी को भगा रहा था, अभी देखो झटके लेने लग गई है ये गाड़ी, रुकने का नाम नहीं ले रही गाइस, पूरा भगाते जा रहा हूँ। 1 लीटर माइलेज टेस्ट आपके सामने ही, अभी दो बार झटके ले लिए थे, फिर से मैंने स्टार्ट करी, फिर से चलने लग गई और अब मैंने बोला और अब जाके बंद हो गई है देखो, बिकॉज अभी एक बार बंद हुई थी, वहाँ से मैंने थोड़ी सी साइड स्टैंड पे लगा के हिला दी जितना इंजेक्टर में था, फिर थोड़ा सा हम आ गए और यहाँ पर आपको एक्चुअल रिजल्ट बताने वाला हूँ, बने रहना रिजल्ट के लिए, बिकॉज जो ऐप पर माइलेज दिया है ना उससे भी कंपेयर करने वाले हैं। आपको तो पहले दिखा देता हूँ गाइस, ये देखो कंप्लीट यहाँ पर आके गाड़ी बंद हो चुकी है। पहले तो आप ट्रिप वन पे किलोमीटर्स देख लो कितने चलिए, 41.6, क्या कुछ एक्सपेक्टेड था, कैसा रिजल्ट दिया उसके लिए बने रहना, बट सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ ये देखो, ज़्यादा सेल्फ नहीं मारेंगे, कंप्लीट यहाँ पर ख़त्म हो चुका है पेट्रोल, जैसा कि आप देख सकते हो गाइस बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। SP125 रेडर पल्सर 125, जितनी भी बजट बाइक्स के साथ मैं माइलेज टेस्ट करता हूँ ना यार, 80-90 की स्पीड पे 38 से 40 का माइलेज देती है, बट ये 155 सीसी की बीस्ट जिसे हमने अराउंड 20 किलोमीटर्स तो 100 की स्पीड पर चलाया है और बाकी 85 प्लस थी एंड 41.6 का माइलेज दिया है। जेन्युइनली बताना क्या एक्सपेक्टेड था? मुझे एक्सपेक्टेड था कि 40-45 भी दे दे, क्योंकि तूने जो चलाई है हाँ। 100 पे ही चलाई है, तो हाइपर राइडिंग पे जो एवरेज निकाल के दिया है उसके हिसाब से 40 बहुत ज्यादा। व्यूअर्स को ऐप पे कितना दिया ये भी दिखा देते हैं, यहाँ पर आपको बता देता हूँ रियल टाइम माइलेज क्या शो कर रही है। यहाँ पर अगर मैं दिखा दूँ, ओडोमीटर आपने देखा होगा स्टार्टिंग में, अभी 1186 हो रहा है यहाँ पर, और अगर एवरेज की बात करें देखो यार ऐप ने एग्जैक्ट माइलेज बता दिया है ये, यह यहाँ पर देखो आज 6th month 23 यहाँ पर देख सकते हो आप कितना माइलेज दिया है, 39.3 और यहाँ पर 41.6 है, मतलब एक्यूरेटी दिया है यार एक तरीके से। तो ये जो ऐप है ना यामा कनेक्ट, ये भी काफ़ी बढ़िया ऐप है, जैसा कि आप देख सकते हो हमने खुद ने ही यहाँ पर सेट करा था आज का, तो एग्जैक्ट माइलेज दिया है गाइस, यही था आज का माइलेज टेस्ट। आई होप वीडियो में मज़ा आया होगा, अगर इकोनॉमी माइलेज टेस्ट करोगे ना 55 से 60 भी है बाइक माइलेज दे देती है, 55 से 58 तो मैंने ही निकाला, यही थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो मिलते हैं इसे एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।